वेलकम और वेलकम बैक विद द न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी, होप यू आर डूइंग गुड एंड आई होप आप सभी को ये सारे ब्लॉग्स की जो सीरीज आ रही है ना वो देखने में मज़ा आ रहा होगा। और आज जो हमारा गृह प्रवेश पूजा चल रही है ना उसका डे 2 है ब्लॉग का, तो आज हम आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाले हैं कि मेरा गृह प्रवेश कैसे हुआ है अभी और कौन कौन सी रस्में हुई हैं, कैसे कैसे सब कुछ किया गया है। इतना मज़ा आएगा ना, इतना मज़ा आएगा ना, जितना ज़्यादा मुझे जीने में इस पल को मज़ा आया ना उतना ही मज़ा आपको देखने में आने वाला है। और बहुत 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 खुशी हो रही है आपके साथ ये सारे मोमेंट्स शेयर करने में। तो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं मेन गेट में जो पूजा हो रही थी, इसकी थोड़ी सी क्लिप्स आपने पिछले वाले ब्लॉग में भी देखी होगी कि हमने मेन वाले गेट पर जो था वो पूजा की है एंड नारियल फोड़ के हमारा अंदर गृह प्रवेश होने वाला है। उसके पहले जयश्री कलश लेगी, देन उसके बाद मैं गृह प्रवेश करूँगी। ये सारा कुछ आपको देखने के लिए मिलने वाला है। और हाँ, इस वाले ब्लॉग में आपको हमारे किचन की भी पूजा देखने के लिए मिलने वाली है जो अन्नपूर्णा माता की पूजा होती है, एंड हमारे घर की पहली रसोई भी आज होने वाली है तो वो सारा कुछ भी आपको देखने के लिए मिलेगा। हालाँकि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस है हमारा, तो अभी ये चीज़ें हो जा रही हैं। देन उसके बाद जब पूरा कम्प्लीट हो जाएगा ना तो हम फिर से ये सारी रस्में एक बार दोहराएंगे, ये बहुत अच्छे से होगा। बट अभी जो चीज़ें हो गई हैं तो मैं नहीं चाहती कि आप ये चीज़ें ना देखें, आपको आपके साथ भी ये सारे मोमेंट शेयर करना बनता है क्योंकि जो चीज़ें हो गई हैं अभी हमेशा के लिए। देखिए अभी इसके ऊपर प्लास्टर होगा लेकिन ये मेरे हाथ के छापे ना, जब तक ये घर है तब तक हमेशा 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 के लिए मेरे हाथ ये छापे रहेंगे प्लास्टर के अंदर। ओ माई गॉड, ऐसा शायद ही किसी के साथ होता होगा हालाँकि अभी यहाँ पर प्लास्टर भी हो चुका है आज की डेट पे, पर जिस दिन हम पूजा कर रहे थे ना तब तक ऐसा नहीं था, तो बहुत 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 अच्छा लग रहा था। ये सारे मोमेंट्स मुझे दो बार जीने के लिए मिलेंगे। मुझे नहीं लगता कि मतलब मेरी उम्र में लड़कियों को ये सौभाग्य जल्दी से मिलता होगा। हालांकि वो चीज़ें अलग होती हैं जब हम शादी करके अपने ससुराल जाते हैं एंड बहुएँ ऐसा करती है, गृह प्रवेश उनका होता है, वो एक अलग बात होती है। बट इतनी सी उम्र में और अपने घर की पूजन में, अपने खुद के घर में गृह प्रवेश करने का जो मज़ा होता है ना, मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी से लड़कियों को मिलता होगा। मैं सच में बहुत अपने आप को खुशनसीब मान रही हूँ, मम्मी पापा और भगवान जी का आशीर्वाद ही है जो इतनी जल्दी से मुझे ये मौका मिला है। हालाँकि हमने वेट बहुत किया, इतने दिनों से हम रेंट के घर पर रह रहे थे, हमारा खुद का घर नहीं था भोपाल में। बट ओ माय गॉड, ये बोलने के समय भी पता नहीं मैं शेक हो रही हूँ। सच में वॉइस ओवर करते समय भी मैं इस पल को ना बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ। अब मैं वॉइस ओवर नहीं करती हूँ, अब आप ओरिजिनल वॉइस के साथ इस पल को एंजॉय कीजिए, बहुत बहुत मज़ा आने वाला है। तो लास्ट तक इस व्लॉग में हमारे साथ बने रहिएगा। तो यहाँ पे घर के अंदर प्रवेश करने से पहले जयश्री ने यहाँ पे कलश लिया हुआ है, बिकॉज यहाँ पे हम करने वाले हैं कन्या पूजन और हमारे घर में सबसे छोटी अभी जयश्री है, तो हमने जयश्री को कलश लेकर के खड़ा किया है यहाँ पे। और बहुत अच्छा मोमेंट था ये, बहुत प्यारा सा तो और हमारे घर की वैसे भी छोटी बच्चियाँ जयश्री है, हमारे घर की लक्ष्मी है, तो इन लोगों का पूजा करना तो बनता ही है इस पल पर। और यहाँ पर मिलने वाला है नेग जयश्री को, तो हम बस उसी का वेट करें कि मम्मी अंदर से पर्स लेके आए, बिकॉज यहाँ पर हम पूजा कर रहे थे तो पर्स नहीं लिए हुए थे, तो मम्मी गई हुई है अंदर पर्स लेने के लिए। देन उसके बाद जयश्री को नेक देने के बाद हम लोग जाएंगे घर के अंदर, लेकिन अभी एक और ट्विस्ट बाकी है, चलिए आगे देखते हैं।
यहाँ जैसे ही हम आगे बढ़े कलश को लेकर के, वैसे ही जो ढोल नगाड़े वाले भैया लोग थे ना, वो खड़े हो गए हमारे सामने नेग लेने के लिए कि बिना नेग लिए वो हमें अंदर नहीं जाने देंगे। यहाँ पे ढोल वालों को खड़े होने का तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग लक्ष्मी जी मार रहे थे मेरे ऊपर से, मतलब सब लोग पैसे निछावर कर रहे थे। और मम्मी जब यहाँ पे पैसे निछावर कर रही थी ना, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। आप लोगों को ना उनके चेहरे से ही देखने में समझ में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा खुश थी ना, इसलिए बहुत इमोशनल हो गई थी। और यहाँ पे पापा भी पैसे निछावर कर रहे हैं, और मम्मी पापा आई होप सो सबसे ज़्यादा खुश होंगे इस पल। और मम्मी हमेशा साथ रहती है ना, तो वही देखती है कि हम बहुत ज़्यादा परेशान होते रहते थे रेंट वाले घर पे, कई बार बहुत सारी चीज़ों का सामना हमें करना पड़ता था। तो वो जब इतनी सारी चीज़ों को देखती थी ना कि हम लोग इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं रेंट वाले घर पे, तो उनको बहुत बुरा लगता था कि नहीं, मतलब रीवा में हमारा इतना बड़ा घर है लेकिन हमारी जॉब भोपाल में है, तो हम यहाँ रह रहे हैं, तो मतलब हमें रेंट वाले घर पर इतना ज़्यादा परेशानी देखनी पड़ रही है, उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। तो आज मम्मी पापा तो अलग ही खुश है, अलग ही खुशी है कि अलग ही प्लानिंग चल रही थी बिकॉज ढोल वालों के बाद यहाँ पे हमें अंदर ना जाने के लिए जया जयश्री गेट पे खड़ी हो गई कि भाई नेग लगेगा फिर हम जाएंगे अंदर। तो यहाँ पे पहले उन्होंने 500 रुपीज़ निकाला, तो उन्होंने बोले इतने से पैसे से काम नहीं चलेगा, हमें थोड़ा और चाहिए, तब देन हम उसके बाद जाने देंगे अंदर। फिर उसके बाद होने वाला था हमारे यहाँ पे प्रवेश फाइनली। अब कुरिए
अच्छे प्राणा प्रतिष्ठन तुम अच्छे प्राणा जंतु जल अश्वे देव नमस्कार मामी की नगल से चपर गंगी जी हमने जय मां गोदावरी सरस्वती गंगा कावेरी होने वाली थी हमारे किचन की पूजा, तो बिना गैस की वो कैसे संभव होती, बिकॉज गैस में सबसे पहले दूध उबालना होता है और कुछ मीठा बनाना होता है, ऐसा होता है हमारी प्रथा में। तो यहाँ पे हम हमारे नए किचन के लिए न्यू जो गैस लेके आए थे ना, हम वो ही लेकर आ गए थे यहाँ पे। तो हमने अभी बस जस्ट उसे ओपन ही किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी टेप वगैरह लगा हुआ है, तो सब कुछ निकाल रहे हैं ये। एंड अब होने वाली है यहाँ की पूजा और देखते हैं कि क्या बनने वाला है और उसमें क्या क्या ट्विस्ट है। अन्नपूर्णा देवी नमः गंधक्षितं समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि सुमाल्यादीनि सुगन्धीनि मालवत्यादीनि वरं प्रभु मयार्थानि पूजार्थं पुष्पाणि च प्रतिग्रहितं श्रीखण्डनं चन्द्रं दिव्यं गन्ध्यात् सुमनोहरं विलग्नसुरं श्रेष्ठं चन्द्रं प्रतिग्रहितं। एक मिनट पिछड़ाइए। ओम नाभ्यासे दंतारिक्षागुं शीष्णोदो संवर्धः पदाभ्यां भूषता लोकान् आकल्पयन् शर्करागत खाद्यानि प्रतिचीर्णतानि च। आपसे दूध बाहर आता है उसी प्रकार हमारे यहाँ कभी हाँ चढ़ा कौन कही अपने आप हो जाएगा। सब लोग कुछ ले लीजिए। अन्नपूर्णा मैया से प्राप्त होगी आपकी कि कभी भी हमारे घर अन्न की कमी ना आए। नित्यानंद करी वरा भय करी सौना करी निर्दुगा गिर घोर पावन करी प्रत्यक्ष परमेश्वरी काले चल वंश पावन करी काशी पुराधीश्वरी भिक्षाम देख रपावलम करी माता अन्नपूर्णेश्वरी योगानंद करी रिपुषय करी धर्मार्थ निष्ठा करी चंद्रा का नल भस्मन लहरी त्रैलोक्य रक्षा करी सर्वेश्व समस्त वाचन काशी पुराधीश्वरी भिक्षाम देख रपावलम करी माता अन्नपूर्णेश्वरी अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लवे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवाश्च भक्ताश्च स्वदेशो भुवत्रे नमः। नित्यानंद करी वरा भय करी सौंदर रत्ना करी निर्दुगा खिल भूल पावंश करी काशी पुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम करी माता अन्नपूर्णेश्वरी नाना रत्न विचित्रभूषण करी हे महावाडाम्बरी मुक्ता हर विलंबवान विलग्नोश्वरी कुंभान करी काश्मीर गुरावासिता रुचि करी काशी पुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम करी माता अन्नपूर्णेश्वरी योगानंद करी रिपुषय करी धर्मार्थ निष्ठा करी चंद्रा कर्णन भस्म लहरी त्रैलोकपूर्णा मैया की जय। एक पूल में कनेक्शन लगा के अन्नपूर्णा मैया की जय।
बोलिए अन्नपूर्णा मैया की जय। बाय जस्सी, बाय जस्सी, चले जैसे पका रही है, जैसे थोड़ा सा खोआ डालो, चले चले। जस्सी की खीर बनी कि नहीं? बनी गई, मैंने पका डाली खीर को। भैया भैया से बोला, मैंने भैया बोले दो कीर्तन अपने घर होते हैं, मैंने कहा वहाँ पर लोगों को दिक्कत होती थी, मैंने यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी, तो यहाँ पर और बड़ा वाला साउंड लगवाएंगे। तो हमारी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं ना, जब से हमने घर लिया है मुझे नहीं लगता कि जितनी खुशी हमें हो रही है ना, उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि इन लोगों को खुशी हो रही है। सच में रोहित भैया हो गए, अमलेश भैया, अलका, ये कुछ लोग ऐसे हैं ना जो हमें डे वन से फ़ोन कर रहे हैं, ये कुछ भी ज़रूरत होगी मुझे फ़ोन करना घर की शिफ्टिंग में या कुछ भी होगा, और इतने प्यार से हमारे गृह प्रवेश की पूजा में लोगों को पता चला तो तुरंत ही आए और इतनी अच्छे से सब कुछ करके गए ना। सच में मेरी आँख में तो यहाँ पर सच में आंसू आ गए थे कि यार घर परिवार के भी क्या करेंगे जो दोस्त करते हैं। सच में इसीलिए ना फ्रेंड्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच अलका एंड अमलेश भैया आप लोगों का आने के लिए, रोहित भैया आपको आने के लिए, मैं क्या बताऊँ, बहुत 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 अच्छा लगा कि इतने इंपॉर्टेंट दिन में आए। तो आपको ये सारा कुछ देखने के लिए मिलेगा आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए, बहुत सारा शेयर कीजिए।